गुड मॉर्निंग। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। आज की जो विशेष अपडेट है वो मैं आप सभी को दे दूं, और इससे पहले मैं जितने भी साथी हमारे नए जुड़ते जा रहे हैं सभी साथियों को सुबह का नमस्कार भैया। तो चलिए फटाफट हम आपको आज के ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहली खबर ये आ रही, पश्चिम बंगाल जो नई शिक्षा नीति उसको लागू करने से कर दिया है मना। तदर्थ शिक्षकों के भारांक के प्रारूप को तैयार करके शासन तक भेज दिया गया है, और प्रवक्ता इंटरव्यू विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है। और क्या 21 को खुलेंगे विद्यालय, जो एक वायरल न्यूज है कि कई शिफ्टों में विद्यालय खोले जाएंगे, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और शिक्षा मित्रों और निदेशकों के प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू कर दी गई है, और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती अक्टूबर माह में विज्ञापन जारी होगा। अक्टूबर माह में फॉर्म आवेदन लेने के लिए जो है तिथि निर्धारित होगी। तो एक एक चीज़ों पे बात करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, पश्चिम बंगाल ने जो है वो मना कर दिया है कि हम जो है नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करते हैं, हम नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो है नहीं करेंगे किसी भी प्रकार के विद्यालय का संचालन। तो ये अपडेट मुझे जो है अभी अभी प्राप्त हुआ है, तो इसके विषय में आप सभी को बता दूँ। ये देखिए, ये सूचना जो है मुझे प्राप्त हो गई है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 फिलहाल राज्य में लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि यह देश के संघीय ढांचे को कमज़ोर करती है। पार्थ चटर्जी जी ने यह सोमवार को जो है अपडेट प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा के बदलाव में जो है NIP की भूमिका पर राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद कहा कि उन्होंने इस सम्मेलन में संघीय भाषा की सूची में बंगला को शामिल नहीं करने के केंद्र के फैसले को विरोध जताया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में NIP लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है, इस विषय में पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है, शिक्षा नीति में जो बंगला भाषा को संघीय भाषा में नहीं रखा गया था, इसलिए जो है पार्थ जी ने इस चीज़ को मना कर दिया है कि वो नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब ये आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा क्या कुछ होता है। अब दूसरी बात कर ले हम कि शिक्षा मित्रों की तरह ही जो है वेटेज तय किए जाएंगे तदर्थ शिक्षकों की, उसमें हम आप सभी को बात बता दें। पूरा डाटा जो एक खाका जो है वो तैयार करके माननीय शासन तक पहुंचा दिया गया है, तो उसमें हम आपको बता दें फटाफट। अपडेट ये है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्र के तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और LT ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनको तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। और इसके आगे हम इसमें बता दें, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्र के तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा, और इसके बाद जो है बनने वाली मेरिट में उनका भारांक जोड़ा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस से लगभग 2000 याचिकाकर्ता जुड़े हैं। हालांकि तदर्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है उत्तर प्रदेश में 17000 तदर्थ शिक्षक हैं। और इसके बाद मैं यहाँ आपको मैं फटाफट आपको बता दूँ, सेवा चयन बोर्ड ये पता नहीं मिसप्रिंट है क्या है, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सेवा चयन बोर्ड 16000 पदों को चिन्हित कर भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं, लेकिन अव्वल तो इनमें नियमित भर्ती होती है, और जो भी भर्ती होती है वह विवादों में फंस जाती है। बीते 10 सालों में 2011, 2013, 2016 में चयन बोर्ड ने भर्तियों को लेकिन अब 2011 तक भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। तो कहने का मतलब यह सीधा सीधा, जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को प्राथमिक में जो है भारांक दिया गया, उसी प्रकार से भारांक देने का प्रावधान जो है यहाँ भी बनाया गया। अब आगे बात कर ले क्या 21 को खुलेंगे स्कूल, तो इसमें मैं सीधी सीधी आपको बता दूँ कि इस जो एक वायरल सच है कि 15 दिन बाद 9 का, फिर इसके बाद जो है 15 दिन बाद 6-7 का, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ये आदेश पारित है कि विद्यालय जो खुलने हैं उसमें खासा ये देखना है 9, 10, 11 और 12वीं के जो अभ्यर्थी हैं वो विद्यालय जा सकते हैं, लेकिन बस केवल कुछ सिलेबस वगैरह जानकारी लेने के लिए। निरंतर कक्षाएं चलना थोड़ी सी मुश्किल होंगी प्रेजेंट टाइम में। आप खुद ही सोच लीजिए, जब कोरोना काल या कोरोना बहुत ही कम था तब तो विद्यालय जो है
वो बंद हो गए। तो ऐसे कंडीशन में जब एक एक लाख के आसपास केसेस मिल रहे हैं पर डे, तो फिर विद्यालय खुलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक प्रकार का वो वायरल है, दावा है मेरे पास है इसको, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा था, इसलिए जो है ये देखिए शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने पर यह बयान किया, ये फेक था, ठीक है। तो उसी पे ये चीज़ें हैं। आगे अब हम बात कर ले फटाफट, दो तीन अपडेट और आपके लिए विशेष है, बने रहिएगा अंत तक। दूसरा है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू होगी। शिक्षा मित्र और अनुदेशक के प्रमाण पत्रों की जांच होगी, ये भी आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये जो अनामिका मैम वाला केस था, तो उन्हीं अनामिका मैम के केस से रिलेटेड ये सिस्टम है कि सारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के प्रमाण पत्रों की रिचेकिंग हो रही है। जो अगर कोई भी किसी प्रकार से गलत पाया जाएगा तो उसे नौकरी से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। बाकी उनको उस पर जो है अपना वो देना। अब इसके बाद नई शिक्षक भर्ती अक्टूबर माह में, ये बड़ा आप लोगों की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहा है कि जो है एक बेहतर भर्ती देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो उसके विषय में आपको फटाफट बता दें, अक्टूबर माह में आने के आसार ये देखिए। जो सुप्रीम कोर्ट से आदर्श आदेश आया है उसके एवज में जो है अक्टूबर में जो है विज्ञापन आएगा, बस इतना आप मान के चलिए। इसको कौन पूरा पढ़े, और आपका दिमाग और आपका टाइम बर्बाद करने से बेहतर है आपको सीधा सीधा मैं बता दूं कि अक्टूबर महीने में जो है भर्ती आने वाली है। और इसके बाद एक और अपडेट मेरे पास आ गई है, ये हम आपको बता दें। प्रवक्ता में जो है विज्ञप्ति आ गई है आप लोगों के लिए, जिन साथियों का इंटरव्यू होना है उनके लिए विज्ञप्ति आ गई, ये देख लीजिए। उनका इंटरव्यू जो है 15, 16, 17, 18, ये तीन डेटों में इनका इंटरव्यू होना है। और ये अपना जो वेबसाइट पे जो है विस्तृत विज्ञप्ति अपलोड है, वहाँ ले सकते हैं upsc.in/upnic.in, यहाँ जा कर के ले सकते हैं। और UPPCS में जो भरने थे आपको जिले केंद्र भरने थे, परीक्षा केंद्र जो भरने थे, उनमें जो है 10 तारीख तक जो है डेट बढ़ा दी गई है। आप कोविड को सुरक्षा के लिए जो मुहिम चलाई गई थी सरकार द्वारा कि आप अपने नज़दीकी ले सकते हैं, उसके लिए है। और एक कल हम आपको न्यूज़ बताए थे, ये बड़ी बहन शिल्पी जी का, तो उसमें क्या हुआ कि वो कल के ही दिन जो है एक 2 साल पहले अध्यापक पद पर नियुक्त हुई थी, और उसी दिन जो है पार्टी वगैरह रखी थी। ये तो आप सभी को पता है, आप लोग आज न्यूज़पेपर में भी इसको पढ़े होंगे। और भाई हमारे सबसे बड़े फैन हम इनके हैं, शिक्षा मंत्री और शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी। इनका कहना है कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च का कानून बने। इनका कहना बिल्कुल बेहतर सही है कि शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में GDP का 6% अगर कोई भी राष्ट्र खर्चा कर दे तो वाकई वहाँ की शिक्षा के स्तर जो है वो किस ऊंचाइयों तक पहुँचेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया जी जैसा शिक्षा मंत्री बन पाना शायद ही मुश्किल होगा, और शायद ही कोई मिलेगा किसी राज्य को। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि किसी देश के शिक्षा मंत्री इस टाइप के होने चाहिए। तो ये खासा अपडेट थी आप सभी के लिए, आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। बाकी 69,000 रुपये अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद कोई अपडेट आ जाए। अपडेट के इंतजार में हम भी रहते हैं, खाली आकर के फोकट में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है विशेष जानकारी मिले तब आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो मिलते हैं दोपहर तक किसी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रकरण पर।